हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास टेंथ का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 30 लेकर आए हैं। और ये जो आपका चैप्टर जैव प्रक्रम चल रहा था, वही आज भी कंटिन्यू हो रहा है। और यह वर्कशीट 11 सितंबर 2020 के लिए है। यहाँ जीरो लिखना भूल गया है DOE ने। तो देखिए दोस्तों, जैव प्रक्रम में आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है, मानव में उत्सर्जन किस तरह के होता है। तो किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, जिसके कारण कि विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बढ़ते रहते हैं। उस जीवित शरीर के उन वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन आवश्यक होता है। अर्थात हम जो भी हमारे अंदर जो अगर हम मान लीजिए हमारे शरीर ग्रो करता है, हमेशा हमारा शरीर एक मेंटेनेंस करता है, तो उसके लिए हम जब हम कुछ खाते वगैरह, तो इसका ऑब्वियसली जो है ना, इसमें वेस्ट भी होगा, तो उसका भी निष्कासन होना ज़रूरी होता है। तो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय उसके कैसे श्वसन में कैसे होता है, ठीक है। तो एक कोशिकीय में अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विकसित कर देता है, जबकि बहुकोशिकीय में अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विशिष्ट अंगों द्वारा बहुकोशिकीय में क्या करते हैं, अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं, यानी उत्सर्जन होता है। इसके साथ मैंने आंसर भी अटैच कर रखा है, बट पहले दोस्तों इसे एक एक करके समझिए और फिर आप आंसर पे चलेंगे और आप बेहतर तरीके से समझेंगे इसे पहले। तो मानव उत्सर्जन होता क्या है, देखिए मानव उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन करना होता है। मतलब यूरिया या यूरिक अम्ल, जिसको यूरिया जैसे कहते नहीं, जो मतलब टॉयलेट वगैरह जो है ना, ठीक है दोस्तों, सुसु करते हैं स्पेशली, ठीक है। तो यूरिया हो, यूरिक अम्ल होता है उसमें, ठीक है। इस तरह में एक जोड़ा ब्रेकक, एक जोड़ा मूत्रवाहिका एवं मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो है ना, यहाँ आपको ये समझना है जो ये किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र मानव में किस तरह से फंक्शन करता है, देखिए मूत्र मार्ग और ब्रिकक और मृदा और ये शुक्रवाहिनी और उत्सर्जन तंत्र, इस तरह से जो है ना दोस्तों, इसका आप नामांकित चित्र, इसका मैंने वर्कशीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये जो मानव में उत्सर्जन तंत्र का ये फिगर आपको क्वेश्चन में है, उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो यूरिया या यूरिक अम्ल को छोड़कर बाहर करना मूत्र बनने का उद्देश्य, रुधिर से वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना, ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से ब्रेकक द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको जो है ना दोस्तों, नेफ्रॉन का चित्र आपको बनाना है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% ये एग्जाम में आती ही है, बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो आएंगे ये नेफ्रॉन का चित्र। तो इसको बार बार आपके बुक में होगा, आई होप आप NCERT को प्रेफरेंस दे रहे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे NCERT को, ठीक है। तो उसे पढ़ते रहिए, ठीक है। यह ब्रिका की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, कौन है, ब्रिका की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ब्रिकाणु यानी नेफ्रॉन, ठीक है। रुधिर की कोशिकाओं द्वारा रुधिर अत्यधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है, जिसके से कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुल्स कहते हैं। यह एक कप की आकृति जिसे बोमन संपुट कहते हैं, जो आच्छादित रहता है। अब दोस्तों हमें इसमें यह समझना है जो मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो मूत्र का निर्माण जो है ना, इसकी कई प्रक्रिया है। अधिक दाब के अंतर्गत कोशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यांदन द्वारा विलेय पदार्थ को बोमन संपुट में धकेलता है और तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहां ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और जल का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है, तो कुछ आयन जैसे पोटासियम आयन और NH4 यानी अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है। और इसके बाद दोस्तों इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो पूछा जाता है जनरली मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक एसिड पाया जाता है, कौन सा है, यूरिक अम्ल, ठीक है। और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है वो भी है, तो क्या, वर्णक मूत्र को रंग देता है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए मूत्र निष्कासन कैसे होता है। मूत्र निष्कासन ये बेसिकली आप जानते हैं, ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं इसमें। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो आइए इसे एक एक करके इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं, तब जा करके वो अपशिष्ट का निष्कासन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीव किस प्रकार अलग करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं, जबकि एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। अब थर्ड है दोस्तों क्वेश्चन, ब्रिकक की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो अभी अभी मैंने बताया था नेफ्रॉन, यानी जिसको कहते हैं ब्रिकाणु कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फ्रेंड्स, मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है। तो ये बोमन संपुटन में होता है दोस्तों, कहाँ होता है, बोमन संपुटन में होता है। अब फिफ्थ नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, तो आइए मैंने इसे जो है ना ऐसे एज इट इज ऐसे करके आपको सुविधा के लिए मैंने ऐसे पेस्ट किया है। देखिए आपको ये बनाना है इसे बेहतर तरीके से। देखिए ये बाई ब्रिकक ध्वनि है, बायां ब्रिकक है, बाई ब्रिकक सिरा है, महाध्वनि है, बाई मूत्र वाहिनी है, महाशिरा है, और मूत्र मार्ग और सीसन में है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है ना आपको फिगर जो है ना बेहतर तरीके से बनाना है, ड्रॉ करना है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। एनसीईआरटी आपके जीवन में और आपके जो ये बोर्ड एग्जाम के हैं इसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा एनसीईआरटी क्या करें, पढ़े और उसको प्रेफरेंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद, और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू।